पोको F1 के लिए डरफेस्ट का ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 का अपडेट जो है आ गया है और इसके अंदर काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं, साथ साथ फेस अनलॉक भी ऐड हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या चेंजेस हुए उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि डरफेस्ट का ये एंड्रॉयड 13 बिल्ड है, 11 नवंबर 2022 का बिल्ड है और सिक्योरिटी पैच भी नवंबर 2022 की आपको लेटेस्ट मिलने वाली है। अब यहाँ पे इंटरनल रेक्स वाला ही मिलता है जो पिछले अपडेट में था, बट ये अपडेटेड वर्जन आपको अपडेटेड मिलेगा पिछले वाले से। सेलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आप नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाओगे तो हॉटस्पॉट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्न ऑन जो हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक था, टॉगल था सिर्फ, अब जो है यहाँ पर टाइम भी ऐड कर दिया गया, हिडन नेटवर्क ऐड किया गया, कनेक्टेड डिवाइसेस आप देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस हॉटस्पॉट के अंदर मिलने वाली हैं। और फिर यहाँ पे हमारा जो ऐसे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर कास्ट मिलता है, ये आपका काम कर रहा है पहले की तरह ही, यहाँ कुछ भी चेंजेस ऐसा कुछ नहीं मिलता। ऐप्स के अंदर में इसके लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर अपडेट किया गया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। आइकन पैक तो पहले मिलता था और यहाँ पे जो डेस्कटॉप लेवल ये सब के थोड़ा लंबे नेम्स मिलते थे पहले, अब थोड़ा शॉर्ट में कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो सिगबार मिल रहा है ये पूरा आपको इस तरीके से मिल रहा है, पहले जो है बिल्कुल नॉर्मल सा स्लिम सा मिलता था काफ़ी, अब इस तरीके से मिलने वाला हर जगह इसी तरीके से मिलेगा। एंड एड ग्लेंस भी ऐड किया गया, साथ ही साथ नीचे आप देखोगे तो टास्क बार भी ऐड किया गया, हालांकि सेटिंग में थोड़ा अप डाउन भी यहाँ पे हुआ है इधर उधर सेटिंग्स की, बट यहाँ पे आपका टास्क बार ये भी जो है न्यू मिल जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं और ये काम करते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करना चाहिए, यूज़ कर पाओगे आराम से, होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये जो है यहाँ पे आपका काम करता है। और आप ऐप ड्रॉअर भी यूज़ कर पाए, अगर कहीं स्पेस साइड में आप उस पर होल्ड करोगे तो हाइड हो जाएगा, वापस पिल पे होल्ड करोगे तो वापस शो करने लगेगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे टास्क बार का यूज़ कर पाओगे इसके अंदर में। फिलहाल हम इसे ऑफ कर देते हैं और बैक करते हैं यहाँ पर, और क्या कुछ चेंजेस हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिलहाल बैक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो गेम स्पेस है ये आपका सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। असिस्टेंट भी आपका वर्किंग मिलता है, ओके गूगल काम कर रहा है इसके अंदर में, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। डर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे बैटरी सेटिंग में तो कोई चेंज नहीं मिलता, लेकिन इसका क्लॉक एंड डेट है इसके अंदर, अब आपको ऑटो हाइड का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाएगा। एंड स्टेटस बार जो आइटम्स दिया गया यहाँ पे वोल्टी आइकन आप इनेबल कर पाओगे, बट अभी भी सिग्नल आइकन आपका शो नहीं करेगा क्योंकि कंबाइन जो है अभी इसके अंदर में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन तो नहीं मिलता, बाय डिफॉल्ट इनेबल, इसलिए सिग्नल आइकन नहीं शो कर रहा है। तो सिग्नल आइकन अभी फिलहाल मिस्टर इंडिया हुआ रहेगा अभी फिलहाल, जब तक ऑप्शन वो ऐड नहीं हो, तो ऑप्शन ऐड होगा उसके बाद आप इनेबल कर पाओगे, उस ऑप्शन को ऑफ करके सिग्नल आइकन शो होगा, फिलहाल अभी हाइड रहेगा। नेटवर्क ट्रैफिक सेम है। मिसलेनियस के अंदर अब आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कस्टम लोगो आप लगा पाओगे, हालांकि कलर चेंज नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पे लगा पाओगे। अब ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है न्यू। और QoS पैनल के अंदर नोटिफिकेशन में पहले एज लाइटिंग ऊपर हुआ करता था जो कि कहीं और मूव हुआ, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। फिलहाल क्विक सेटिंग्स के अंदर टाइल्स लेआउट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो अब यहाँ पे सो जो स्क्वेगल एनिमेशन दिया गया है ये न्यू मिल जाता है। अब इससे होता क्या है, यहाँ पे अगर आप मीडिया प्लेयर आप देखोगे तो मीडिया प्लेयर में जो ये एनिमेशन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो नागिन जैसा यहाँ पे एनिमेशन मिलता है, आप देखोगे ये जो है ये एनिमेशन आपको मिल रहा है, ये एनिमेशन को आप ऑफ एंड ऑन कर पाओगे इस ऑप्शन से। तो यहाँ से जो है आप इस एनिमेशन को सिंपली ऑन एंड ऑफ कर पाओगे तो बिल्कुल सीधा प्लेन हो चुका है, लेकिन वही नागिन वाला एनिमेशन आप यहाँ पे वेब वाला जो इसके अंदर दिया गया उसके गली जिसे बोलते हैं यहाँ पे, तो इस एनिमेशन को आप यहाँ से सिंपली ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन भी न्यू ऐड किया गया इसके अंदर में, जिसमें बटन स्टाइल या फिर बैकग्राउंड आप चेंज कर पाओगे, बाकी और कोई चेंजेस यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और लॉकस्क्रीन के अंदर में यहाँ पे लॉकस्क्रीन की सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर का ऑप्शन न्यू मिलेगा, बाकी के ऑप्शन सेम है, बट बाहर में ये पूरा ऑप्शन ही न्यू है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला मिड डिस्प्ले का, यहीं पे एज लाइटिंग मूव करके ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पे बैटरी बार वैन चार्जिंग न्यू है और ऑलवेज सो बैटरी बार न्यू मिल जाता है। और सिस्टम के अंदर में पहले सिर्फ कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिला करता था, हालांकि अभी भी जो है इसके अंदर जो ऑप्शन मिल रहे हैं ये सभी सेम है। कस्टमाइजेशन के अंदर जितने भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सभी के सभी सेम है, कुछ भी न्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, ये पूरा सेम है। बट बाहर में आपको जो ऑप्शन मिलता है जनरल सेटिंग, जैसे कि ये न्यू है, वॉलपेपर जूम इफेक्ट यहाँ पर दिया गया है, और फिर बाहर में पल्स मिल जाता है, तो ये भी न्यू देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो ये पूरी डर फेस की सेटिंग्स रहने वाली है।
वहीं नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, नोटिफिकेशन आपका पहले वाला ही रहेगा। एंड बैटरी के अंदर कुछ चेंजेस हुए, हालांकि यहाँ पे डेली बैटरी यूजर्स चार्ट न्यू ऐड किया जिसमें 24 आवर तक का बैटरी यूजर्स आप इनेबल कर पाओगे एंड आइडल मैनेजर, ये दो ऑप्शन जो है यहाँ पे न्यू मिलते हैं, बाकी पूरा सेम रहेगा। लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें तो 2 आवर जो है 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिली है और पिछले में 88% था, यानी कि बैटरी आपकी वही पिछले अपडेट जैसी रहेगी, ना ही अपग्रेड हुई ना ही आपका डाउन हुआ है, बैटरी सिमिलर सा रहेगा पहले जैसा। साउंड एंड वाइब्रेशन में जरूर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग जो है थोड़ी सी अप डाउन भी हुई है और काफ़ी सारे ऑप्शंस में अलग अलग जगह मूव हो गया सेटिंग्स यहाँ पे इसी के अंदर में ही। तो अब उसके बारे में हम यहाँ पे स्टार्टिंग में बात करते हैं, जैसे कि नॉइसी नोटिफिकेशन नीचे हुआ करता था, अब यहाँ पे है डिफॉल्ट साउंड, ये सब भी जो है पहले नीचे हुआ करता था। वाइब्रेशन हैप्टिक के अंदर अब जो है रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न ऐड किया गया, जिसमें कस्टम भी आप ऐड कर पाओगे वाइब्रेशन, तो ये पूरा न्यू है फिलहाल उसके अंदर में वो ऑप्शन। एंड यहाँ पे स्मार्ट पाउज है, शॉर्टकट जो रिंगिंग के ऑप्शन है सब नीचे मिलते थे। मीडिया यहाँ पे है, एडिशनल सेटिंग सब ऐड कर दिया गया, जिसके अंदर सारे साउंड के ऑप्शन अब आपको मिलेंगे, जैसे कि MIUI पे मिलता है, तो यहाँ पे अब सारे साउंड वाले ऑप्शन एडिशनल सेटिंग में ऐड हुआ है। एंड यहीं पे जो है नीचे में फिलहाल यहाँ पर है वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन था, जो कि अब उसे ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया, बट बाय डिफॉल्ट इनेबल आपको मिलता है, बस ऑप्शन रिमूव हुआ, अभी भी आपका काम करेगा, बाय डिफॉल्ट इनेबल अब रहता है। ड्रैग साउंड हालांकि पहले की तरह ही है, ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये कुछ चेंजेस यहाँ पे थी। डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस में आपको 100 ऑटो ब्राइटनेस मिलेगा, रीसेट प्रेफरेंसेस देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जो कि काम कर रहा है, इनका यूज़ कर पाओगे। लाइव डिस्प्ले में हालांकि कोई चेंज नहीं है, ये पूरा आपका सेम रहने वाला है। लेकिन लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे 100 QR स्कैनर मिल जाएगा, तो लॉक स्क्रीन पे ये देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो, तो इस पर सिंपली आपको टैप करना है और ये इनेबल होगा, इससे आप स्कैन कर सकते हो QR कोड को, तो ये एक ऑप्शन आपको यहाँ पे न्यू मिल जाएगा। फिर नीचे में ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेगा, सॉरी एक चेंज है, एम्बिएंट जो म्यूजिक टिकर है ये चेंज मिलता है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद कलर सेम रहेगा, रोटेशन आपका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे फुल स्क्रीन ऐप जो है वापस से ओल्ड स्टाइल में अब देखने को मिल रहा है, आइकन गायब हो चुके हैं और ये जो टॉगल है इस तरीके से पहले चेक वाले थे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूर ओल्ड स्टाइल में हो गया, आइकन यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, पहले शो कर रहा था पिछले में, बाकी फिर डबल टैप स्लीप ये सब आपको नीचे मिल जाता है और ये डिस्प्ले कटआउट हाइड नोच ये सब रहने वाला पहले की तरह। वॉलपेपर इन स्टाइल के अंदर सिस्टम फॉन्ट और ऐड हुआ है, बाकी वॉलपेपर मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम है, एसेबिलिटी सेम रहेगी। सिक्योरिटी के अंदर में भी वैसे ही रोम आपका बाय डिफॉल्ट डिक्रिप्टेड ही आता है। एंड यहाँ पे फेस अनलॉक जैसे कि यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है, तब मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूं और आपको आगे दिखाता हूं, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही आपको दिखाता हूं किस तरीके से काम कर रहा है। जो फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर में, और जो फेस अनलॉक है वो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, और आईयर फेस अनलॉक आपको मिलने वाला है इसके अंदर, आईयर फेस अनलॉक ही ऐड हुआ है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो आईयर फेस अनलॉक मिल जाता है। हालांकि सेटिंग में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन फेस अनलॉक मेन जो यहाँ पर ऐड हुआ है ये आपको मिलता है। एंड डिजिटल वेलबिंग अच्छे तरीके से काम कर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती है। सिस्टम के अंदर जो ऐप मिलते थे यहाँ पे ऐप लैंग्वेज, वो सेम यूट्यूब पे है अभी भी यहाँ पे। और जेस्चर एंड मोशन में चलते हैं इसके सिस्टम नेविगेशन में, तो यहाँ पे एक चेंज आपको मिलेगी सेंसिटिविटी सेटिंग्स के अंदर, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम है। 3 बटन पे भी आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं मिली। हालांकि काम आपका अच्छे से कर रहा है, बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है, बट चेंजेस यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हैप्टिक फीडबैक जेस्चर के अंदर में, बाकी कुछ चेंज नहीं है। एंड स्वाइप स्क्रीनशॉट ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे रिंगिंग का ऑप्शन न्यू देखने को मिलने वाला है, ये ऑप्शन न्यू है। और प्रेस एंड पावर बटन असिस्टेंट जो दिया गया है इसके अंदर ही एडवांस रिस्टार्ट आपको मिलेगा जैसे पहले मिला करता था। और अपडेटर यहाँ पे जो है फेल्ड दिखाता था पहले, अब जो है नो न्यू अपडेट फाउंड दिखा रहा है, जो कि ये सही हो गया है, पहले फेल्ड हमेशा दिखाता था। और गूगल डिस्कवर अच्छे से काम करेगा अभी भी, और आपका जो स्टेटस बार है इसके अंदर में भी एनिमेशन आपको काफ़ी अच्छे इसके अंदर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अब हॉटस्पॉट भी देखने को मिलने वाला है इंटरनेट के अंदर में, हालांकि यहीं पे पहले जो है वाईफाई का सेपरेट एक टाइल हुआ करता था वो रिमूव हुआ है। बाकी आपका जो ब्लूटूथ है ये भी अब इसी तरीके से मिलने वाला है, सारे एक्टिव जो है डिवाइसेस यहीं पे शो कर देंगे, अंदर सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि टाइल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ऑटो ब्राइटनेस का टाइल न्यू मिलेगा, कंपास का मिल जाएगा, और डरफेस्ट का जो टाइल है ये न्यू मिल जाता है। फिर नीचे यहाँ पे आओगे तो साउंड का जो सिंगल सिर्फ साउंड है ये आपको मिल जाएगा, एंड वॉल्यूम पैनल का टाइल न्यू मिल जाएगा, BPN का टाइल न्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ टाइल्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं इस अपडेट के अंदर में। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आपकी वही सेम रहने वाली है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पे स्मूथ ही काम कर रहा है, जैसे कि पिछले अपडेट में काम कर रहा था उसी तरीके से अभी भी ये जो है काम कर रहा है। एनिमेशन जरूर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंप्रूव मिला है इसके अंदर में, एनिमेशन आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सिमिलर आपका अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वॉल्यूम पैनल एक्सपेंड हो जाता है, पर वॉल्यूम कंट्रोल डिफॉल्ट में है। एनिमेशन यहाँ पे ऐप ओपनिंग की बात करें तो फास्ट रहेगा, स्मूथ है, इस तरीके से मिलने वाला है।
हालांकि यहाँ पे इस रीसेंट के अंदर आपका स्क्रीनशॉट का जो आइकन है वो थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सिमिलर है सारा चीज़। यहाँ पे अब कैमरा जो है चेंज हो चुका है, अपर्चर वाला अब जो है डिफ़ॉल्ट कैमरा मिलता है, पहले ग्राफिन ओएस वाला डिफ़ॉल्ट मिलता था, लेकिन अब जो है प्री इंस्टॉल कैमरा आपको अपर्चर वाला मिलेगा। जी के मैनुअली आपको करना होगा, एफएम आपको पहले से मिल जाता है, काम कर रहा है, और गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पहले क्रश करते थे उसी तरीके से ज़्यादातर क्रश करेंगे, और ये जैसे कि गूगल फोटो के बारे में बताया अनलिमिटेड मिल जाएगा। एंड प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही आता है, तो यहाँ पे सेफ्टी नेट भी आपका पास रहेगा, बैंकिंग ऐप को लेकर के दिक्कत नहीं होगी, और जो विजेट्स हैं वो भी लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे कॉलिंग की बात करें तो वोल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी रहेगा, ब्लूटूथ ऑडियो मीडियम कॉलिंग दोनों पे काम कर, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके अंदर जो वाईफाई कॉलिंग है पहले जैसे दिखाता था काम नहीं कर रहा था, बट अभी जो है काम कर रहा है इसके अंदर, इस अपडेट में फिलहाल वर्किंग मिल रहा है। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिल्कुल फिक्स है, और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो अलर्ट कर देता है, बाकी आपका वर्किंग रहने वाला है कॉल रिकॉर्डिंग, बस थोड़ा सा अलर्ट जो है कर देता है। और एंटूटू स्कोर 430,952 मिला है, पिछले वाले में 422,000 था, जो कि इसमें सिमिलर ही समझ सकते हो। वहीं सीपीयू थ्रोटल रेट इस बार 84% है, पिछले में 89% तक देखने को मिला था। एंड गीगबेंच स्कोर यहाँ पे सिंगल में 511 है, मल्टी के अंदर 2305 है, पिछले में सिंगल 501 था और मल्टी के अंदर 2052 जो है यानी कि देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे गेम स्पेस में कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, ये पूरा आपका सेम रहेगा। और ग्राफिक भी अगर बात करें तो अभी डिफ़ॉल्ट जो पोको एफ1 में हमें अनलॉक मिलती है वही सेम टू सेम रहने वाली, यानी कि इन दोनों में भी कोई चेंजेस नहीं मिलता, ग्राफिक या फिर आपका गेम स्पेस सेम है। और गेमिंग परफॉर्मेंस पहले भी अच्छी मिलती थी और अभी भी आपको गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और जैसे कि बताया एनिमेशन के मामले में ज़रूर थोड़ा बहुत आपका इंप्रूव हुआ है, पहले भी काफ़ी अच्छा था, बट अभी इस अपडेट के अंदर में एनिमेशन थोड़े से स्क्रोलिंग में जो थोड़े लैग पिछले अपडेट में आपको बताया था थोड़ा सा लैग हल्के हल्के बिल्कुल लाइट से कर रहे थे, वो यहाँ पे फिक्स हुए हैं यहाँ पे इस अपडेट के अंदर में, तो ये एक इंप्रूवमेंट आपको मिल जाती है। और फेस अनलॉक तो जैसे मेन चीज़ ऐड हुआ ही हुआ है यहाँ पे, वो भी आईआर फेस अनलॉक है जो कि अच्छे तरीके से काम करता है, तो काफ़ी सिक्योर भी होता है ये आईआर वाला, तो ये चीज़ आपको मिल जाता है। हमारे में तो आईआर ही है पोको एफ1 में, बाकी में तो ज़्यादातर कैमरे के थ्रू जो नॉर्मल होता है उसी से नॉर्मल ही रहता है, बट ये आईआर वाला आपका इसके अंदर सपोर्टेड मिल जाता है, नॉर्मल नहीं दिया गया, आईआर वाला आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो गेमिंग है वो भी अच्छी मिल जाती है, और एनिमेशन जो है यानी कि स्मूथनेस की अगर बात करें तो भी थोड़ा इंप्रूव हुआ इसके अंदर में, तो यही सारी चीज़ें थी। और जो चेंजेस हैं वो तो आपको बता ही दिया, तो बस यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।